वाले वक्त में। वही हमारे साथ जयपुर से केजे श्रीवत्सन भी जुड़े हैं। केजे, देखिए जैसा कि हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि बाकी राजस्थान इसलिए इस बार दिलचस्प ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं, जब मुझे याद है परिवर्तन यात्रा हुआ था और आपने जिक्र भी किया, बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं दिया। तो अब बीजेपी क्या ऐसी और रणनीति लाएगी? दूसरी बात केजे, ये मुझे लगता है हर राजस्थान की जनता जाननी चाहती है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जी देखिए, ये बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान ने अभी तक यह भी नहीं कहा कि अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे अगले, और चेहरा आगे नहीं ला रही। जबकि इतना तय है कि राजस्थान में कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर चुनाव मैदान में है। तो अशोक गहलोत किस आधार पर आगे बढ़ेंगे, हाईकमान क्या सोचता है, इसका फैसला तो उसी वक्त हो पाएगा जब टिकटों का वितरण हो जाएगा, क्योंकि जो नाम सामने आएंगे उम्मीदवारों के उसके आधार पर यह तय होगा कि कांग्रेस हाईकमान क्या सोचता है राजस्थान में यदि उसकी सरकार बनती है। लेकिन बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छी खबरें राजस्थान से नहीं है इस बार, क्योंकि वसुंधरा राजे का एक तो चेहरा नहीं बनाएगा, वसुंधरा राजे ही नहीं, बीजेपी के ऐसे बार बार कहा जा रहा है कि 5-6 ऐसे बड़े नेता हैं जो कि दावेदार हो सकते हैं मुख्यमंत्री के। इनमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, ओम बिड़ला का नाम सामने आ रहा है, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, ऐसे तमाम नेताओं के नाम है, लेकिन किसी का चेहरा आगे पार्टी ने नहीं किया है। इनके बीच में चल रही खिंचातानी पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है, क्योंकि एक नेता के विधानसभा क्षेत्र में या उसके गृह निर्वाचन क्षेत्र में यदि कोई कार्यक्रम होता है बीजेपी का, तो दूसरे गुट का नेता उसमें शामिल नहीं होता। बीजेपी के लिए अपने नेताओं के बीच में गुटबाजी को कम करना सबसे बड़ी चिंता की बात है, और यही कारण है कि इसी कश्मकश में अमित शाह जयपुर आए थे, रात भर, रात को 2 बजे तक उन्होंने बैठक की है पार्टी के बड़े नेताओं के साथ। उस वक्त भी यह तय नहीं हुआ कि पार्टी किस लाइन पर आगे बढ़ेगी। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हाईकमान ने तय कर लिया कि अपने हिसाब से ही राजस्थान में इस बार वे चुनाव में आगे बढ़ेगी, तो ऐसे में स्थानीय नेताओं की भूमिका क्या होगी, चुनाव में उन्हें किस तरह से दोनों ही पार्टियां अपना उपयोग में लाएगी, इसको लेकर कई सवाल है। क्योंकि अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में भले ही मतभेद खत्म होने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक दोनों एक साथ खुलकर एक मंच से कांग्रेस के लिए प्रचार करते नहीं दिखे हैं। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए यह भी चिंता की बात है कि आखिरकार 2018 की तरह वो नजारा कब दिखेगा, जब दोनों ही ये बड़े नेता एक साथ जनता के बीच में जाएंगे, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन इतना तो तय है कि अशोक गहलोत सरकार के एक साथ राजस्थान में 22 जिले बनाना, पहले एक साथ 19 जिले बनाना, फिर 3 और जिले नए बनाना, 3 नए संभाग बनाना, ओल्ड पेंशन स्कीम, इस तरह की तमाम बड़ी योजनाएं ये है जिसके आधार पर कांग्रेस चुनाव मैदान में है। और बीजेपी का यही कारण है कि आखिरी वक्त में जिसे बीजेपी अपना फ्री ब्रिज बताकर कांग्रेस की आलोचना करती रही है, बीजेपी के एक ओर से भी पीएम मोदी राजस्थान में 10 दिन के भीतर 3 बार राजस्थान आए, 1 साल में 11वीं बार राजस्थान आ गए, राजस्थान को बहुत सारी बड़ी सौगातें दी, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं जनता को इस वक्त महंगाई से राहत चाहिए जो अशोक गहलोत सरकार दे रही है। और यही कारण है कि गैस सिलेंडर के जो दाम कम करने की बात है, अब देखने वाली बात है कि जो तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐलान किया, एक तरफ आप देख रहे हैं अशोक गहलोत जो कि बहुत ही बारीकी से जनता के लिए योजनाएं लाए, और अब देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में जनता किस पर विश्वास करेगी। वहीं हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। देखिए मनोज, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रायपुर की छत्तीसगढ़ के पूरे समीकरण को समझे, आपको याद होगा जब 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार आई तो बहुत अच्छे मार्जिन से आई। इस बार की बात करें, जैसा कि राजस्थान और मध्यप्रदेश में हम चर्चा करें, कोई चेहरा नहीं बीजेपी की तरफ से, और इस बार भी रमन कुमार चेहरे के तौर पर नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वाकई जो कई सारी योजनाएं, और इस बार अगर कांग्रेस में समझे, भूपेश बघेल के साथ पिछली बार टीएस सिंहदेव थे और बहुत सारी रणनीति चुनावी प्रचार में आपने देखा, उन्होंने कई ऐसी रणनीति बनाई जिसका बहुत फायदा हुआ, क्या लगता है आपको इस बार वो असर होगा, क्या कुछ समीकरण बदलेंगे? देखिए, कुछ महीने पहले तक यही प्रमुख यहाँ के सियासत में यही चर्चा थी कि पिछले बार टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल की जोड़ी ने मिलजुल कर काम किया था और इसे जय और वीरू की जोड़ी का नाम दिया गया था, और जिस तरह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और उसमें ये चर्चा हुई कि 2.5-2.5 साल का फार्मूला लागू है और 2.5 साल पहले भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे, तो 2.5-2.5 साल बाद ये फार्मूला लागू नहीं हुआ, तो बाद में ये खबरें आई कि दोनों के बीच मतभेद
जो है वो चरम पे है। और कई ऐसे मौके आए जब टी एस सिंहदेव ने सार्वजनिक तौर पर सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज की और बाद में ये बातें आलाकमान को समझ में आई कि यही स्थिति रही तो छत्तीसगढ़ में पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसीलिए चुनाव के कुछ महीने पहले ही टीएस सिंहदेव को यहां पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया और ये कहा गया कि आने वाला जो चुनाव है 2023 का चुनाव है वो सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा, अर्थात भूपेश बघेल को भी जो है प्रमुख चेहरा बनाकर मैदान में नहीं उतर रही पार्टी। तो अब जाकर दोनों प्रमुख जो चेहरे जो 2018 के चुनाव के हीरो थे उन दोनों को फिर से एकजुट करने की कोशिश की गई है और दोनों को आगे रखकर कांग्रेस जो है वो लगातार चुनाव के तैयारी में जुटी हुई है, चुनाव प्रचार कर रही है और ये माना जा रहा है कि जब तक ये दोनों मिलकर सामूहिक रूप से पूरे राज्य में अपना चुनाव प्रचार नहीं करते हैं तब तक कांग्रेस को वो सफलता नहीं मिलेगी जो 2018 के चुनाव में उसको मिली थी। तो यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को फिर से एकजुट करने की कोशिश आलाकमान की ओर से की गई है और सभी को अपने अपने इलाके में सभी को की सलाह को वरीयता दी जा रही है और टिकट वितरण में भी ये माना जा रहा है कि चरणदास महंत, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, बिल्कुल इन सभी तीन चार बड़े चेहरे कांग्रेस के सभी के राजकुमारी के बाद जी और वही मैजिक बरकरार रहे इसके लिए कांग्रेस पूरी कवायद कर रही है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, बड़ी खबर बता दें बस कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।